आज देहरादून पहुंचेंगे भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, कुछ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। कल 24 अप्रैल को भाजपा के संगठन स्तर पर बड़ी बैठक होनी है। सीएम के उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। एटा में लालच देकर किडनी निकालने वाले इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा, दो शातिरों को एटा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लखनऊ और विशाखापट्टनम रवाना। फेसबुक के जरिए अपना विज्ञापन करता था गैंग। मैनपुरी में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों से दिन दहाड़े मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, एक पुलिसकर्मी भी फायरिंग में घायल। पकड़े गए कुख्यात अपराधी पर हैं कई मुकदमे दर्ज, 25,000 का इनामी है ये शातिर। कौशाम्बी में दूल्हे की बग्घी में राइफल लहराते डांस वीडियो वायरल, एएसपी ने जांच के दिए निर्देश। नशे की हालत में युवक ने की हर्ष फायरिंग, कानून की सरेआम उड़ाई धज्जियां। पुलिस ने इस पूरे मामले का लिया संज्ञान, कहा जल्द होगी कार्रवाई। एटा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में मतदान के दौरान हंगामा, 25 वकीलों को वोट न देने पर मतदान केंद्र पर हंगामा। हड़ताल में शामिल न होने पर 25 वकीलों को एटा बार एसोसिएशन से किया गया था सस्पेंड। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 10 अप्रैल 2022 को दोबारा किया था बहाल। सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान, ओपी राजभर ने शिवपाल यादव को दो वहां साफ बताया। ओपी राजभर से शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर पूछा गया था सवाल, ओपी राजभर ने कहा कि शिवपाल पहले तय करें कि उन्हें जाना कहां है। आजम खान को एक और मामले में अगर बेल मिली तो आजम आ सकते हैं जेल से बाहर। 72 में से 71 मामलों पर आजम को मिल चुकी है जमानत, सिर्फ एक केस में हाईकोर्ट से बेल का है इंतजार, हफ्ते भर में हो सकता है फैसला। जहांगीरपुरी पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, शफीकुर रहमान बर्क, एस टी हसन डेलीगेशन में शामिल। पीड़ितों से की मुलाकात, जावेद अली, रवि प्रकाश वर्मा, विशंभर प्रसाद भी जहांगीरपुरी पहुंचे। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों के तहत बुजुर्ग संतों, पुरोहित, पुजारियों के कल्याण के लिए एक बोर्ड का किया जाएगा गठन। मठ मंदिर में रहने वाले बुजुर्ग साधु संतों को मिलेगी आर्थिक सहायता। सीएम योगी के आदेश पर अयोध्या के संतों ने इस फैसले का स्वागत किया। कोरोना वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश बना नंबर वन, 31 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दी जानकारी। यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, एफआईआर रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। 2 मई को फिर होगी मामले में सुनवाई। यूपी में बुजुर्गों, संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए जल्द बनेगा बोर्ड, सीएम योगी ने कल्याण बोर्ड के गठन के दिए आदेश। प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी में भजन संध्या स्थल भी बनाए जाएंगे। मथुरा के संतों ने कहा कई वर्षों से इसके लिए की जा रही थी मांग, सीएम के फैसले की तारीफ करते हुए कहा शुक्रिया। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान पर भड़के अयोध्या के संत, संत समाज से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई, कहा अगर चुनौती है तो फिर स्वीकार है। हमीरपुर में शराब के नशे में युवक ने अपनी मोटरसाइकिल पर लगाई आग, धू धू कर जल उठी मोटरसाइकिल, बाइक को आग के हवाले कर तमाशा देखता रहा शराबी युवक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सदर कोतवाली क्षेत्र के अमुनाघाट का मामला। गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र के वेब सिटी में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद बाइक सवार की हालत गंभीर, मणिपाल अस्पताल में है भर्ती। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके में आग से हड़कंप, एसपी रेल के आवास के पास खड़ी हुई लग्जरी कार में लगी भयानक आग, चंद मिनटों में आग का गोला बनी कार पूरी तरीके से जलकर खाक। स्पार्किंग के बाद कार में आग लगी ऐसा बताया जा रहा है। रेलवे हरथला कॉलोनी की घटना। नोएडा के सीएमओ कार्यालय में अचानक भीषण आग लगी, आग लगने से अहम दस्तावेज जलकर हुए खाक। सेक्टर 39 स्थित कार्यालय, बिजली के शॉर्ट सर्किट से कार्यालय में बने ब्लॉक 5 में अचानक आग लगी। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो लोगों को मारी जोरदार टक्कर, अनियंत्रित बाइक सवार डिवाइडर से टकराए, बाइक सवार दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही हुई मौत। हरिया थाने के ठीक सामने नेशनल हाईवे 27 की घटना।